दोस्तों आज हम सीखेंगे कि शादी वाले नमकीन जो है वो किस तरह से बनते हैं, जो कि शादी में मिलते हैं मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बेसन लिया है और उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे और दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये गई इसमें लौंग मिर्ची टाइगर ब्रांड की। एक बार मैं आपको ब्रांड दिखा देता हूँ, ये देखिए ये टाइगर ब्रांड है। ये आपको एक किलो बेसन में 35 ग्राम के हिसाब से ऐड करनी है। और ये गई इसमें अजवाइन पिसी हुई, जो कि आपको एक किलो बेसन में 5 से 10 ग्राम तक ऐड करनी है। और अब इसमें डालेंगे नमक, जो कि आपको स्वाद अनुसार डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो बेसन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसका डो लगाया जाएगा नमकीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें ये गया तेल। दोस्तों ये मून के लिए डाला जा रहा है, जो कि आपको एक किलो में 100 ग्राम के लगभग मिक्स करना है। 100 ग्राम तेल और इसमें आपको एक किलो बेसन में 300 ग्राम के आसपास जो है हमारा पानी मिक्स होता है इसमें। तो आप क्वांटिटी ध्यान रखें। अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा और इसका डो लगाया जाएगा। डो आपको कितना थिक रखना है ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों हमारा जो डो है उस तरीके से लगा रहे भैया। आपको इसको ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ये थोड़ा ढीला ही रहता है। तो आप इसमें अगर आपका जो डो है वो ज़्यादा गड्ढा हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर ले और उसको थोड़ा ढीला कर ले। ये देखिए भैया ने थोड़ा सा पानी इसमें और मिक्स किया है। अब ये थोड़ा गड्ढा है तो अब ये थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो डो है वो लग के रेडी हो चुका है। ये देखिए ये इतना ज़्यादा ढीला है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। तो आपको इसको ऐसा ही रखना है। अब इसके नमकीन बनाए जाएंगे जो आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब जो है यहाँ पर नमकीन निकाले जाएंगे, इसके लिए स्टैंड लग चुका है। और ये है अपना बेसन, इसको घिस करके नमकीन बनाए जाएंगे। ये देखिए आप, दोस्तों आप घर पे मशीन लेकर आ जाए मार्केट से, मशीन से अच्छे बन जाते हैं। इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मशीन से कैसे बनाने हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये जो है हमारे ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है नमकीन बनाने का। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं रखना है, थोड़ा इसको मीडियम ही रखें। और दोस्तों अब जो नमकीन है उनको पलटा जा रहा है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब जो नमकीन है वो बिल्कुल रेडी है, उनको निकाल लिया गया है। ये देखिए आप, तो दोस्तों आपको भी घर पे इसी तरीके से नमकीन बनाने हैं, बस आपको घर पे मशीन का यूज़ कर लेना। मशीन में किस तरह से बनते हैं वो भी आपको दिखाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी मशीन आ चुकी है नमकीन निकालने की। मशीन से इस तरीके से नमकीन बनाए जाते हैं। दोस्तों मार्केट में आपको इससे छोटी साइज की मशीन मिल जाएगी, आप उसका ही यूज़ करें। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो नमकीन है वो रेडी हो चुके हैं, अभी को निकाल लिया जाएगा। ये देखिए नमकीन बिल्कुल रेडी है।